सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझसे कैसे मिलोगे? और हाँ, घंटी जरूर दबाना। इंडियन स्ट्रीट फूड की शान है गोल गप्पे। हाय गाइस, आई एम प्रियंका और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर पे बने स्ट्रीट फूड के जायके। से कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, ये लग गई है मेरी स्ट्रीट फूड स्टॉल और ये सब मैंने बनाया है और बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, पूरा एक दिन लग गया। सो ये देखिए गाइज, यहाँ पे सबसे पहले है ये मसाला बूंदी, कटे हुए प्याज, पतली वाली सेव, धनिया और ये है आलू का मसाला जो कि पानी पूरी के अंदर जाएगा। ये है भुजिया एंड गाइज, ये है पानी जिसको मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। उसके बाद ये है पानी पूरी की पूरी, ये है सेव पूरी की पूरी, ये है इमली की खट्टी मीठी चटनी, लैया और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये है सेव पूरी की। एंड ये सेव पूरी कोई इंडियन सेव पूरी नहीं होने वाली है, होने वाली है बहुत डिफरेंट सी सेव पूरी। सो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इसके अलावा वैसे मैं आपको दो और चीज़ें दिखाने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। भाई पानी पूरी की बात करिए तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी पानी पूरी। सो ये आ गई भाई गोल गप्पे की पूरी और इसको बनाना ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मुझे पूरे दो दिन लग गए इसकी रेसिपी क्रैक करने में, पर ये बन गया ना बहुत गजब की। ये देखिए, देख रहे हैं कितनी कुरकुरी सी है ये। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेने हैं 2 कप सूजी, उसके अंदर आपको डालना है थोड़ा सा तेल ताकि ये जो सूजी है ना वो तेल थोड़ा सा पी ले। उसके बाद बहुत गर्म पानी के अंदर आपको इसका आटा मारना है। एंड आप सूजी कोई भी ले सकते हैं, मोटी या पतली उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर जब आप इसको बेलेंगे ना, एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी सूजी जो है ना, जो सूजी का आटा है वो सूखा नहीं हुआ हो। अगर सूख जाए तो उसको वापस थोड़ा सा पानी लगा के आप मार लीजिएगा। एंड इसको एकदम पतला बेलिएगा और एकदम तेज़ आँच पे इसको सेकना है। तो जब आप सेकेंगे ना इसको, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको इसको दबा दबा के सेकना है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे ना, एकदम से इसके अंदर जो पानी होता है सूजी में वो इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से ये गोल गप्पे फूल जाते हैं। तो चलिए अब इनको बनाना चालू करते हैं। सो ये देखिए गाइस, मेरी पानी पूरी बनना स्टार्ट हो गई है और अब इसमें डाले जा रहे हैं मसाले वाले आलू। बाय द वे, आलू बहुत ही टेस्टी थे। और अब इसमें डाली जाएगी ये इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। वो इट लुक्स सो गुड ना। और ये है पानी पूरी का मिंटी मिंटी एंड टैंगी टैंगी पानी। तो चलिए भाई, इसको भी अब एक कप में निकाल लिया जाए। दैट्स इट। सो गाइस, ये आ गई मेरी पानी पूरी एंड जस्ट हैव अ लुक, ये कितनी बढ़िया लग रही है। ये बिल्कुल हाइजीनिक है क्योंकि घर पे बनी है। तो चलिए भाई, अभी रुका नहीं जा रहा है, डालते हैं पानी इन गप्पों में ज़रा। चेयर्स। बहुत ही तीखी चटपटी और जायकेदार है। और जो सारा कमाल है ना वो है एक्चुअली इस पानी का, जिसको मैंने घर पे बनाया है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आप लीजिए पुदीना, धनिया, अदरक और मिर्ची और उसको मिक्सी में पीस दीजिए। और उसमें इसके साथ ही साथ जो खट्टी मीठी इमली वाली चटनी बनाई है ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा। एंड बाय द वे, जब ये रेसिपी मैंने क्रैक करी थी ना, देन आई वाज लाइक भाई बहुत मज़ा आया है घर पे पानी पूरी खा के। भाई गोल गप्पे तो बहुत ही गजब के थे और अब मैं आपको दिखाऊंगी भेलपूरी। और ये भेलपूरी मुंबईया भेलपूरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, ये है हमारी राजस्थानी भेलपूरी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि ये भेलपूरी बनती कैसे है। सो ये देखिए गाइस, भेलपूरी बनना स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले आप बोल में डालिए फाइनली चॉप्ड अनियंस, मसाले वाली बूंदी, पतली वाली सेव,
एंड नाउ यू कैन ऐड राजस्थानी बीकानेरी भजिया। अब इसमें आप डाल दीजिए फाइनली चॉप टमेटोज, और अब इसमें मैं डाल रही हूँ सम ग्रीन चिलीज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए। अब इसमें डालूंगी मेरा स्पेशल मसाला जिसमें है जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला, सम मिंट एंड कोरिएंडर चटनी। और अब बारी आ गई इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी की। एंड नाउ मिक्स मिक्स मिक्स, एंड नाउ आई ऐड अ डैश ऑफ लेमन। और ये देखिए अब बारी आ गई लैया की। लैया मैंने इसमें इसलिए लास्ट में डाली है ताकि ये सौगी नहीं हो। एंड नाउ यू कैन गार्निश इट विद सम कोरिएंडर। और भाई पानी पूरी के जो गप्पे बनाए हैं वो अब आप इसमें चूर चूर के डाल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया क्रंच ऐड करते हैं। एंड नाउ जस्ट मिक्स मिक्स एंड मिक्स। वाओ इट लुक्स सो टेम्प्टिंग। सो गाइज ये आ गई मेरी भेल पूरी, एंड जस्ट हैव अ लुक, ये कितनी कलरफुल और टेम्प्टिंग सी लग रही है ना। आई कांट वेट टू ट्राई दिस। वाओ हियर कम्स भेल पूरी। इतनी गजब की बनी है कि मैं आपको क्या बताऊं। और ये मुंबईया भेलपूरी जैसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी गार्लिक चटनी नहीं डाली गई है। इसके अंदर जो कमाल है ना वो है मसालेदार बूंदी बीकानेरी भुजिया का, और इसमें डलती है खजूर की चटनी नहीं बल्कि डलती है इमली और गुड़ वाली चटनी। वाकई काफ़ी गजब की बनी है। आप भी घर पर ट्राई करो ना और मुझे बताना कि कैसी लगी। सो गाइस भेलपूरी के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगी इटालियन सेव पूरी। क्यों हैरान हो गए ना, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बनती कैसे है। ये देखिए सेव पूरी की जो पापड़ी है मैंने घर पे बनाई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक कप लीजिएगा मैदा, एक कप सूजी, और अब इसमें आप डाल दीजिए जीरा सॉल्ट एंड अजवाइन। उसके साथ ही साथ अब आप इसमें ऐड करिएगा 2 चम्मच देसी घी, और इसका गर्म पानी के साथ इस तरीके से ऐसे डो लगा लीजिएगा। अब इसको लंबा बेलेगा और गोल गोल आकार में काट लीजिएगा, एंड नाइफ़ की मदद से इसको प्रिक कर लीजिएगा ताकि जब आप इसको सेकेंगे ना तो ये एकदम फ्लैट बनेंगी, फूलेंगी नहीं। और अब इस पापड़ी के ऊपर मैं लगा रही हूँ पिज्ज़ा सॉस, सम अनियंस, फाइनली चॉप कैप्सिकम्स, कॉर्न, एंड नाउ आई ऐड लोड्स एंड लोड्स ऑफ चीज। बहुत सारी चीज़ डालिएगा। और फाइनली अब इसको गार्निश कर रही हूँ मैं पतली वाली सेव एंड ऑलिव्स के साथ, एंड दैट्स इट। सो गाइस ये आ गई मेरी सेव पूरी, एंड दैट टू अ फ्यूजन सेव पूरी। सो जस्ट हैव अ लुक, लग रही है ना एकदम इटालियन सेव पूरी। तो भाई चलिए अभी ट्राई करते हैं। ऑल राइट ये आपको आवाज़ आई गई होगी कि ये जो पापड़ी है ना सेव पूरी की वो कितनी क्रिस्पी है। ये भी मैंने घर पे बनाई है, एंड जो इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैंने डाला है ना वो काफ़ी थिक रखा है मैंने, और इसमें गार्लिक भी यूज़ करा है, प्लस उसके अंदर मैंने डाले हैं इटालियन हर्ब्स। एंड भाई वैसे भी किसी चीज़ में जब चीज़ डल जाती है ना तो स्वाद अपने आप ही बढ़ जाता है। भाई चटपटी चाट के बाद अब मन हो रहा है कुछ ठंडा पीने का, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फेवरेट मसाला थम्स अप। तो मसाला थम्स अप बनाने के लिए पहले आप थम्स अप लीजिए इस तरीके से ग्लास में, और आइस डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके बाद आप इसमें डालिए मेरा वही स्पेशल मसाला जो मैंने अभी आपको बताया था। उसके बाद इसमें डालिए आप सम लाइम, एंड नाउ जस्ट मिक्स इट वेल। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इस इंग्रेडिएंट का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगी, अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और ये देख रहे हैं कितना फिज क्रिएट हो गया इसमें। वाओ आई एम लविंग दिस। सो ये आ गया मेरा मसाला थम्स अप। वैसे मैं एरेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ, बट वंस इन अ व्हाइल आई लव थम्स अप। दिस इज सो रिफ्रेशिंग। और ये आप ज़रूर बनाना अपने घर में और बताना कैसा बना। इसको पी के ना वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है।
इट्स डिजर्ट टाइम। सो गाइस ये देखिए, ये है मेरा ओरियो संडे। ओके, तब ब्यूटीफुली इसको मैंने डेकोरेट किया है ना। आई एम सो टेम्प्टेड टू ट्राई दिस। वो हियर कम्स माय बिग बाइट। इतना गजब का बना है ये कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसके अंदर जो मैंने आइसक्रीम यूज़ करी है ना, वो भी मैंने खुद बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो आप मेरा प्रियंका तिवारी व्लॉग्स वाला चैनल देखिएगा, जहाँ पे इस आइसक्रीम को मैंने बनाया है यूजिंग ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स। ये बहुत ईजी है और आराम से घर पर बैठे बैठे आप बना सकते हैं। I'm loving this. This is seriously very good. भाई मुझे तो बहुत मज़ा आया अपने घर पे अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रीट फूड खा के। आई होप यू गाइस मस्ट हैव लाइक माई वीडियो। सो डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन।